हाथरस हादसे के बाद जांच के लिए बनी एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के आने के साथ ही अब योगी सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हादसे को आज 7 दिन हो गए और अब इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने एक्शन लिया। एसडीएम सीओ समेत कुल 6 अफसरों को नाप दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सोमवार को सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट एसआईटी ने सीएम को सौंपी थी। आइए आपको हम बताते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या गया है, बताया क्या गया है। इसमें यह लिखा है कि हादसे की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच की जरूरत है। हादसे की वजह आयोजकों की लापरवाही भी बताई गई और यह कहा गया कि पुलिस और प्रशासन ने भी आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इस आयोजन की जानकारी आला अफसरों तक पहुंचाई नहीं गई। भीड़ के लिए यहां पर पर्याप्त इंतजाम तक नहीं किए गए थे। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। जांच के दौरान अफसरों, कर्मचारियों, पीड़ित परिवारों से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाया कार्यक्रम की अनुमति। एसआईटी ने यह भी कहा कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज ने जिम्मेदारियों में लापरवाही की। एसडीएम ने बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना की अनुमति दे दी। घटना स्थल पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि भोले बाबा के कार्यक्रम में आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली। आयोजकों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया जब घटना हुई। पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोकने का प्रयास भी किया गया। हादसे के बाद आयोजक मंडल के सदस्य घटना स्थल से भाग गए थे। लेकिन दिलचस्प पहलू यह भी कि पूरी रिपोर्ट में कहीं भी सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम तक नहीं है और ना ही इस जांच के दौरान बाबा से पूछताछ की गई, जो वाकई चौंकाता है, क्योंकि जिस आयोजन के दौरान यह सब हादसा हुआ, उस आयोजन को कराने वाला बाबा का ही मुख्य सेवादार मधुकर है और मधुकर ने भोले बाबा के बनाए ट्रस्ट के नाम पर ही कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। लिहाजा संगठन का मुखिया होने के नाते बाबा से पूछताछ बनती थी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इस गंभीर और दर्दनाक वाकये के बाद मुख्यमंत्री ने जो एसआईटी बनाई थी उसे 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रिपोर्ट आई 6 दिन में। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में हुई भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस मामले की जांच कई स्तरों पर हुई, जिसमें पहली रिपोर्ट एसडीएम ने हादसे के 24 घंटे के बाद प्रशासन को सौंपी। इसमें हादसे के लिए आयोजकों को जिम्मेदार बताया था। दूसरी रिपोर्ट सोमवार को एसआईटी ने योगी सरकार को सौंपी। इसके अलावा न्यायिक जांच आयोग का भी गठन हो चुका है, जिसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पूरे मामले में सौंपना है। लेकिन हाथरस में हुए हादसे की जांच जो भी करे, इतना तो साफ है कि बाबा को फिलहाल कोई टच नहीं करेगा। हम क्यों कह रहे हैं, ना तो पुलिस इसे पकड़ेगी और ना ही उस पर कोई एक्शन फिलहाल होता नजर आता है। क्यों? क्योंकि एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट दी है, एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम, सीओ समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और रही बात न्यायिक जांच आयोग की, तो उसकी रिपोर्ट तो 2 महीने के बाद ही आएगी और तब तक यह लगता है कि बाबा से पुलिस दूर ही रहने वाली है, क्योंकि मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कहीं पर भी बाबा यानी कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का नाम नहीं है। नाम है तो सिर्फ सेवादार और मुख्य आयोजक, जो पुलिस की ही गिरफ्त में मौजूद है। लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं होने के सवाल पर सीएम योगी ये कह चुके हैं कि प्रथम दृष्टया एफआईआर उन लोगों पर की जाती है जिन्होंने कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी, इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से जो लोग भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे वे सभी इसके दायरे में आएंगे, यह सीएम कह चुके हैं। वैसे बाबा के वकील एपी सिंह यह दावा करते हुए बार बार कहते हैं कि बाबा के सेवादार घायलों की मदद कर रहे हैं और घटना वाले दिन भी घटना स्थल पर वो उन्हें बचाने में लगे थे। लेकिन जब हादसे के चश्मदीदों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि तमाम बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि जब यह भगदड़ मची वो उस जगह से 70 से 80 मीटर की दूर पर थे। जिस वक्त लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भाग रहे थे तब बाबा के सेवादार एक एक करके वहां से जा रहे थे। घायलों को बाबा के सेवादार नहीं बल्कि पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचा रहे थे।
उधर इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए 3 दिन पहले ये लिखा है कि गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। मायावती का भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर दिया ये बयान काफी चौंकाता है, क्योंकि बाबा भी उसी जाति से आते हैं जिससे मायावती हैं। पूर्व सीएम मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए थे, 3 पोस्ट किए थे। मायावती ने कहा कि देश में गरीबों, दलितों, पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह।